हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिद्दीकी सेंस। जैसा कि रेसिपी को देखकर आप सबके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, तो आज हम बनाने वाले हैं ये क्रिस्पी यमी फ्राइड चिकन रोल। तो गाइस, चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से देखते हैं कैसे बनेंगे हमारे ये यमी रोल्स। क्रिस्पी चिकन रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी शीट तैयार करनी है, जिसके लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, एक कप होल व्हीट फ्लार गेहूं का आटा, एक चम्मच नमक और एक टीस्पून यीस्ट, ड्राई यीस्ट। और गाइस, हमें चाहिए तकरीबन एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। और हम इसमें अब डालेंगे एक अंडे का वाइट पोर्शन। आपको योग उसका साइड में संभाल के रख लेना, वो हमें बाद में काम में लेना है। अब गाइस, मैं यहाँ पर पानी डाल के इसका एक स्मूथ और पतला बैटर तैयार कर लूँगी। तो गाइस, इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और बैटर तैयार कर लें अच्छी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी का। बाकी जो हमें चाहिए वो है बोनलेस चिकन, कैबेज और ये है फ्रेंच बीन्स और दही और एक कप प्याज, जो कि मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिए। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है हमें कि हम एक बड़ा चम्मच हम ऑयल कढ़ाई में डाल देंगे और उसमें हम ज़ीरा डाल लेंगे। ये हम गाइस फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जिसमें अब मैं डाल दिया मैंने हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। इसमें से जब ये 2-3 मिनट इसमें लगेंगे गाइस, जब ये भून जाए तो इसमें हमें कटी हुई प्याज डाल देनी है और अब हमें इन प्याज को अच्छे से भूनना है। इसके लिए आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 2 टी स्पून। आपको इसमें टेबल स्पून नहीं लेना, टीस्पून ही इनफ रहेगा। अब जो जैसा कि हमने जो हमारा हो बोनलेस चिकन था वो हम इसमें डाल देंगे। गाइस, ये आप छोटे छोटे पीसेस ही इसके कराएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें बाद में इसको स्क्रैम्बल करना है। तो इसे अच्छे से हमें मसाले में चिकन को भूनना है। और जब ये अच्छे से बोटी इसकी अच्छे सेट हो जाए तो आप इसमें दही डाल दें और नमक डाल दें और उसके बाद फिर इसको अच्छे से हम 5 से 6 मिनट अच्छे से इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब ये देखिए गाइस, इसकी इस तरीके से जब ये हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, तो हम इसमें इसको ढककर लो फ्लेम कर देंगे और इससे 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में यहाँ पर जो हमारा बैटर था, मैं उसकी शीट तैयार कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और अब मैं यहाँ पर मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 2-2 टेबल स्पून मैंने इसमें बैटर डाला है और इस तरीके से हम ये शीट्स तैयार कर लेंगे। गाइस, ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। एक बार बस आप बैटर तैयार करके उस बैटर को 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा एक तरफ, ताकि वो जो इसमें यीस्ट है वो अपना काम कर सके। और इसके बाद फिर आप इस तरीके से, जैसे मैं बना रही हूँ, इस तरीके से आप जल्दी जल्दी ये शीट्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से ये, इनको गाइस हाई फ्लेम, आप फ्लेम का ध्यान रखें, ना हाई होनी चाहिए ना लो होनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी सारी शीट्स तैयार कर ली हैं। अब साथ में मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला है और हम हमारी जो फ्रेंच बीन्स थी उनको स्टर फ्राई कर लेंगे। तो इनको यार गाइस, ये बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके की कुछ भी नॉनवेज रेसिपीज़ के साथ, और साथ में बहुत हेल्दी होती हैं। तो इस तरीके से अब आप इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और साथ में आधा नींबू, इसमें हम आधे नींबू का जूस इसमें हम डाल देंगे और इसको स्टर फ्राई करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इससे ढककर हम पकाएंगे, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। अब मैंने जैसे आपको ज़रूरत लगी है तो थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था सो दैट स्टीम बन सके और ये थोड़ी सी पक जाए।
और इधर में हमारा चिकन भी देखिए गाइस बिल्कुल रेडी हो चुका है। सारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें आधे नींबू का जूस डाल दूँगी ताकि इसका थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपको कम टैंगी चाहिए तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें सारी प्रिपरेशन कर ली हैं। चिकन को स्क्रैम्बल भी कर लिया था, कैबेज यहाँ पर बारीक बारीक काट ली है, ये हमारा एग योक है जो कि हमने संभाल के रखा हुआ था, और ये केचप ले लिया है हमने साथ में। गाइस ये मेयोनीज भी मैंने घर में ही बनाई है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी से दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल, आप बड़े इजीली से घर में बना सकते हैं। तो गाइस जैसा कि अब आप देख रहे हैं एक एक करके हम उस पर जितने भी हमारी शीट्स हैं उस पर हम इस तरीके से केचप लगाएंगे, थोड़ा सा चिकन की फिलिंग डालेंगे, थोड़ी सी कैबेज, थोड़ी सी कटी हुई प्याज और मेयोनीज डाल के इस तरीके से आप ये जो हमारी स्क्वेयर्स स्टिक्स हैं उनसे आप इनको रोक सकते हैं, क्योंकि ये इनका जैसे हमने इनको डीप फ्राई करने वाले हैं आज, तो ये खुलने का इनका बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। तो इसमें साथ में गाइस एग योक से आप इनके जो एजेस हैं उस पर एग योक लगा लें सो दैट ये चिपक जाएगा। तो देखिए अब मैं जल्दी जल्दी सारी पहले हमारी सारे रोल्स तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप वन बाय वन सब तैयार कर करके एक पहले तैयार करके रख लीजिएगा। एंड गाइस ज़रूरी नहीं है इन्हें डीप फ्राई करना, इन्हें आप चाहें तो ओवन में बेक भी कर सकते हैं। आप बस ओवन में इनको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करके भी, अगर आप नहीं चाहते हैं ज़्यादा ऑयली तो आप इसे बेक कर सकते हैं और बहुत ही यम्मी बनते हैं। और अगर ओवन भी नहीं है तो गाइस इन्हें आप किसी भी नॉन स्टिक पैन में हल्का हल्का सा ऑयल लगा कर भी इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं। देखिए गाइस मेरे सारे रोल्स मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए थे और इधर ऑयल प्री हीट कर लिया। आप देखिए इन्हें जल्दी, अब इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 मिनट में ये रोल्स क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। देखिए अब मैं जल्दी जल्दी इन्हें निकाल रही हूँ। गाइस अगर कभी आपको ये मेहमानों के आगे तैयार करने हो तो आप इन्हें पहले से तैयार करके रख सकते हैं और गर्मा गर्म इस तरीके से डीप फ्राई कर करके आप सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी अब हमारे रोल्स बन रहे हैं और कितने यमी लग रहे हैं। ये देखिए अब ऑलमोस्ट हमारे रोल्स सारे हो गए हैं और देखिए गाइस अब हमारे रोल फाइनली सारे कम्प्लीट हो गए हैं। चलिए मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस हमारे यमी क्रिस्पी फ्राइड रोल्स, चिकन रोल्स बनके तैयार हो चुके हैं विद फ्राइड फ्रेंच बीन्स एंड होममेड मेयोनीज। देखिए कितने यमी लग रहे हैं। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ और टेस्ट करके दिखाती हूँ। गाइस मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा और इनमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं एंड सीरियसली आप इन्हें ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आपको भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो गाइस स्टार्टर रेसिपी में ये बहुत ही बढ़िया हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल सिद्दीकी सेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही फिर हाजिर होंगी ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।